आदरा सत्संग हादसे के बाद से ही फरार बाबा नारायण साकार हरि के बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिछवा आश्रम में पिछले 72 घंटों से भोले बाबा अघोषित रूप से हाउस अरेस्ट है। बाबा बीमार है, इस बात का खुलासा उनके वकील ने किया। कोई डॉक्टर तो अंदर नहीं गया, लेकिन बाबा शुगर और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जामुन मंगा कर खा रहा है। सेवादार गोपनीय रूप से बाबा के लिए जामुन ले जा रहे हैं। आश्रम में खाने पीने का स्टॉक धीरे धीरे कम हो रहा है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन और रात के समय कुछ गाड़ियां आश्रम से निकलती हैं, उन्हीं में बाजार से सामान खरीद कर अंदर ले जाया जाता है। राहुल गांधी आज अहमदाबाद दौरे पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले गुजरात विधानसभा चुनाव में हराने की चुनौती दी है। इसके चलते उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल के हिंदू समुदाय को लेकर दिए गए बयान के बाद गुजरात में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। वहीं राहुल गांधी गुजरात में हाल ही में हुए राजकोट गेम जोन में आग, वहीं मोरबी पुल ढहने जैसी त्रासदी के पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दो विधायकों को शपथ दिलाने के कदम को संविधान का उल्लंघन बताया। राज्यपाल ने इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी लिखा है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पत्र तब लिखा जब विधानसभा अध्यक्ष बिमान बैनर्जी ने टीएमसी के दो विधायकों को शपथ दिलाई, जबकि बोस ने इस काम के लिए विधानसभा के उपाध्यक्ष को अधिकृत किया था। राजभवन और विधानसभा अध्यक्ष के बीच करीब एक महीने तक गतिरोध के बाद दो विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसरो 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए हैकाथॉन का आयोजन करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र के पास चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसमें ग्रेजुएट, पीजी और पीएचडी छात्र हिस्सा ले सकते हैं। उनके अनुसार एक टीम में 3 से 4 छात्र होंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी 2024 परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षा 11 अगस्त को दो शिफ्ट में होगी। इससे पहले ये परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन बाद में ये एग्जाम रद्द कर दिया गया था। नीट पीजी परीक्षा की महज 4 दिन बाद 15 अगस्त को इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। ये परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसी वजह से नीट पीजी 2024 का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। Z News.